अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। ये इन्फॉर्मेटिव तो है ही, उसके साथ साथ एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो घर में बैठ के बहुत ही अच्छा एक कारोबार कर रहा है, मतलब हैंडमेड चीज़ें बनाता है और उसको फिर ऑनलाइन और मुख्तलिफ शॉप्स पर वो सेल करता है। एक ऐसे टैलेंटेड लड़के से आपको आज मिलाते हैं और ये मेरे साथ ही खड़े हैं। ये ऑपरेशन थिएटर ना समझें, ये उनके हम वहाँ पर हैं जहाँ ये प्रोसेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है? मुनीब खान। मुनीब खान, तो मुनीब खान ये बताएं, ये क्या काम है? बड़ा एंटीक और यूनिक काम है आपका। बेसिकली मेरी फील्ड ये है, मैं एक सिरेमिक डिज़ाइनर हूँ। और ये क्या होता है सिरेमिक डिज़ाइनर? सिरेमिक मींस क्ले। अच्छा, क्ले से आप चीज़ें डिज़ाइन करते हो और सिरेमिक एक बॉडी होती है जो कि आप केमिकल्स को मिलाकर जो है ये बनाते हो अपने तरीके से। इसमें डिफरेंट क्लेज होती हैं, जैसे टेराकोटा हम नॉर्मली देखते हैं कि कुम्हार वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपकी शक्ल वैसे उससे भी मिलती है, वो पाप ऑफ गर्ल में प्रोफेसर नहीं आता, वो जो अच्छा सा आपको डाला और केमिकल एक्स में पावर पाफ गर्ल निकल आई, कभी ऐसा सीन हुआ आपके साथ? नहीं, इस तरह का सीन नहीं हुआ, लेकिन अक्सर मिसहैप हो जाते हैं क्योंकि केमिकल्स होते हैं, तो उसमें कभी कम ज़्यादा केमिकल डाल के आप एक चीज़, जैसे स्लिप है, जैसे ये इसकी कास्टिंग निकलती है, तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में नाज़रीन को बताएं, ये क्या है पत्थर सा? ये एक मोल्ड है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका मोल्ड है। इसके बीच में जब हम स्लिप डालते हैं तो इसकी एक लेयर आ जाती है जो कि निकलती है, तो आप उसको सुखा कर कार्व कर सकते हैं, फिर वो फायर होती है ग्लेज होके, जो ग्लॉसी इफेक्ट उसका आता है, वो सारा जो है एक प्रोसेस है वो मैं। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं ग्लॉसरी इफेक्ट, ये इफेक्ट लेयर क्ले, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्ले तो मिट्टी को कहते हैं ना, है ना? तो ये इसका मतलब किस तरह आप मतलब एक जो हमारे यूथ है जो इस काम में आना चाहता है, मतलब आप उसको क्या बोलेंगे कि क्या काम ऐसा करें कि जो वो भी शुरू कर सके? इस क्ले को कहते हैं सिरेमिक स्टोन वेयर। अच्छा, इसमें जो है ये हाई मीडियम टेम्परेचर क्ले होती है, 1150 या 1175 तक ये फायर होती है। वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह फायर होती है, बल्कि कल ही मेरी एक क्लिन गई है तो फायर होके वो कैसे निकले वो भी मैं। आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, इसका आइडिया आपको किसने दिया? कह लें कि ये मैंने अपने भाई से इंस्पिरेशन लिया, प्रोडक्ट होनी चाहिए, जैसे नेम लैम्प्स हैं मेरे, तो इसमें भी काफ़ी डिज़ाइन अब आ चुके। ये अभी तक आप ही कर रहे हैं कि इसके अलावा को और भी कोई आपने देखा है कि ये नेम वाले जो लैम्प्स हैं या आपकी मुख्तलिफ कैंडल्स हैं या कप्स हैं या आप बनाते हैं, कि और भी कोई इसके को आपने देखा है? मुल्तानी क्रोकरी जितनी भी मैं कर रहा हूँ वो हो रही है, काफ़ी मुल्तान में भी हो रही है, लेकिन नेम लैम्प्स मेरी अपनी प्रोडक्ट है, ये आई थिंक दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा, कोई भी नहीं कर रहा, ये आपका दावा भी है? हाँ। तो ये मतलब इसका दिखाएंगे ज़रा आवाम को, थोड़ा सा अगर हम आपके साथ चलें थोड़ा सा प्रोसेस बताएं क्या क्या होता है। मोल्ड इसका बनता है, मोल्ड का एक प्रोसेस लंबा है, इसमें बीच में मॉडल एक होता है, मॉडल को रख के पहले एक साइड बनती है, फिर मॉडल बीच में से निकाल के जब आप कह लें कि मिट्टी जब बीच में डालते हैं, लिक्विड वाली मिट्टी जब बीच में डालते हैं तो इसकी एक लेयर बन जाती है, 4 घंटे बाद इसको आप निकाल सकते हैं, तो आप कार्विंग कर सकते हैं, नेम लैम्प मैं उसको कहता हूँ, आप नेम लिख सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ है, ये आपका लैम्प है? हाँ जी, ये मेरा लैम्प है। अच्छा, यानी कि इससे पहले का प्रोसेस जो है वो ये वाला है जो ये हमारा नाज़रीन देख रहे हैं इस टाइम, कि पहले ये लैम्प बनता है, लैंप का ये बना के रखते हैं, फिर ये सूखता है, सूखने आई थिंक ऐसा ही है ना? हाँ। ये सूखता है, सूखने के बाद ये जब बिल्कुल हो जाता है उसके बाद ये रिटर्न करते हैं। राइटिंग का मसले में आपके ख़राब नहीं हो जाते, किसी की स्पेलिंग गलत हो गई हो, शिकायत आ गई हो कभी? आप और प्रोडक्ट अपना बताएं कि इसके अलावा, लैंप्स के अलावा और क्या क्या आपके पास वैरायटी है? मेरे पास मुल्तानी क्रॉकरी में टी सेट्स मैं बनाता हूँ, 17 पीसेस टी सेट है, वॉजेज़ हैं काफ़ी तरह के, 10-12 शेप्स हैं उसमें, साइज़ डिफरेंट हैं, फ्रेज़ हैं मेरे पास काफ़ी, उसकी बड़ी भी हैं, मीडियम भी हैं, छोटी भी हैं, यानी कि 50+ प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं इस वक्त। अच्छा, यानी कि वॉजेज़ हैं उसके अंदर, ट्रेज़ हैं, कप्स हैं, और क्या क्या इसके अलावा आप बना सकते हैं, या इन फ्यूचर आपने सोचा भी हुआ कि यार मैं इस पर भी वर्क करूँगा, मैं ये भी कर सकता हूँ? अभी रिसेंटली एक मैंने आइडिया देखा है, एक कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे क्रैक्स वाले चाहिए पॉट्स, तो वो व्हील पे थ्रो करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुम्हारों का एक व्हील होता है, तो हम भी उस तरह थ्रो कर सकते हैं। मोल्डिंग कास्टिंग तो एक और यानी कि आप इसमें प्रोसेस आ जाता है, आप मैन्युअली बगैर मोल्ड के भी पॉट्स बना सकते हैं। थोड़ा सा आप दिखाएंगे अपना जहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं सारी, अगर अब नाज़रीन को आप दिखा सकें, इधर है वो जगह मौजूद? इसके अंदर क्या होता है ये?
ये सिरेमिक किलन है, ये ग्लास वूल लगी हुई है, इसको आग नहीं लगती। ये माइनर डिटेल है फिर भी मैं बता रहा हूँ। बेटी वीडियो आई होप नाज़रीन आपको अच्छी लगी होगी। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो हमारे जितने भी यूथ है वो घर बैठ के ये काम कर सकते हैं। ये काफ़ी जॉब से अच्छा काम है, मैं सोच रहा हूँ मैं भी यही कर लूँ वैसे। तो नाज़रीन आपस की बात थी हमारी। तो हमारे चैनल फलक शेख ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।